नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी से, जहां मेगा हाईवे इंसा सर्किल पर जोधपुर से रामजी का गोल जा रहे एक कंटेनर गोलाई के दौरान पलट गया। पलट के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। आपको बता दें कि रमेश पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी डाबली साइला जिला जालोर, जो कंटेनर लेकर जोधपुर से मुद्रा पोर्ट गुजरात की तरफ जा रहा था, इस दौरान मेगा हाईवे अहिंसा सर्किल की गोलाई लेते समय कंटेनर पलट गया। कंटेनर पलटने से चालक के चोटें आईं, जिसको अस्पताल लाकर उपचार करवाया गया। गोलाई में कंटेनर पलटने के दौरान पास से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा होने से कोई नहीं बचा सकता था। जानकारी के अनुसार पूर्व में प्रशासन द्वारा अहिंसा सर्किल के पास हुए अतिक्रमण को हटाया गया था, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते बच गया। वहीं किसी जगह से अतिक्रमण हटाए थे, वहीं जगह खाली देखकर आइसक्रीम व सब्जी के ठेले खड़े रहते हैं। समय रहते प्रशासन को उनको भी उस जगह से हटाना चाहिए, जिससे कोई जनहानि नहीं हो। कंटेनर पलटने के दौरान थोड़ा आगे और गिर जाता तो आइसक्रीम का ठेले व अन्य पास में खड़े ठेले वालों की जान का खतरा बन सकता था। गुड़ामालानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट। शाम को करीब 6:15 बजे के आसपास अहिंसा सर्कल पे एक कंटेनर पलट गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से तो बच गया, क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व प्रशासन के द्वारा अतिक्रमियों को यहाँ से हटा दिया गया था और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई, अन्यथा बहुत सारे अतिक्रमी इसकी चपेट में बड़े कंटेनर में आ सकते थे। अतः मेरा विशेष तौर से अब भी आग्रह है कि कोई यदि अतिक्रमण इस एरिए में इधर उधर कर रहे हैं तो अतिक्रमण ना करें और रोड परिसर में कतई ऐसे नहीं बैठें, कोई अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता है।